हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर रुबीना, वेलकम टू ग्रेस टीवी। और आज हम बात करेंगे एम्ब्रियो ट्रांसफर के बाद आपको क्या क्या डाइट लेनी चाहिए। बहुत बारी हमारे को ये कॉमनली क्वेश्चन पूछते हैं लोग कि एम्ब्रियो ट्रांसफर के बाद उनको क्या खाना चाहिए, तो आइए आज इस क्वेश्चन का आंसर देते हैं। सो सबसे पहले मेरी तरफ से आपको ओपिनियन ये रहेगा कि एम्ब्रियो ट्रांसफर के बाद आपका जो मन करे आप वो खा सकते हैं। बस क्योंकि आपको बहुत सारी दवाइयाँ, बहुत सारे इंजेक्शन्स और प्रोजेस्ट्रॉन के इंजेक्शन्स दिए जाते हैं, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा ब्लोटिंग या कॉन्स्टिपेशन हो सकती है, तो आपको हाई फाइबर लेना चाहिए। सेकेंड, आपको अपना वाटर इंटेक बिल्कुल नॉर्मल रखना चाहिए, 6 to 8 liter वाटर जो है वो एडवाइज्ड है आपके लिए। थर्ड, स्पाइसी, फ्राइड, बाहर का खाना या हैवी फूड, इसको अवॉइड करें। खाने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट सिर्फ ये है क्योंकि आप ऑलरेडी बहुत सारी मेडिसिंस पे होते हैं, तो आपको गैस्ट्राइटिस, वॉमिटिंग या मन खराब होना, वो सारी चीज़ें हो सकती हैं। सो ऑलरेडी आप दवाइयाँ ले रहे हैं, अगर ये प्रॉब्लम आ गई तो और दवाइयाँ लेने की ज़रूरत पड़ जाती है। फोर्थ, आपको ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स प्रेफर करनी चाहिए। फिफ्थ, आपको प्रोटीन इंटेक अपना बढ़ा देना चाहिए इस टाइम पर। प्रोटीन इंटेक माने या तो आप फिश खा सकते हैं, या आप पनीर खा सकते हैं, या चने खा सकते हैं, इन सारी चीज़ों का आप खास ध्यान रखें। आशा करते हैं कि आपका IVF ज़रूर सक्सेसफुल रहेगा। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन IVF के रिलेटेड है तो प्लीज़ हमसे पूछना ना भूलें। कॉमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चन लिखें, हम नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे आपके उन क्वेश्चन के ऊपर। थैंक यू।